ये ज़बान भी कमाल की चीज़ है, फितरत भी इसकी बेहद अजीब है, तभी तो गलत अल्फाज भी सही लगते हैं। तस्वीर पर दाग पर अल्फाजों से निकले अब शब्द को ये ज़िना तकना कहते हैं। मैं शायर, मुझे ज़रूरत क्या इस पर प्रकाश डालने की, मुझे ज़रूरत क्या बेमतलब के किरदार निभाने की। पर ज़िना वो सारे शब्द हैं, आर पर्सनल चॉइसेस टू स्पीक दीज वर्ड्स। रंजन तुझे क्या हर्ज है, पर एक सवाल मेरी तरफ से, ये ज़िना भरे शब्द क्यों नहीं कहते तुम अपनी माँ के चेहरे पे। खैर ये ज़िना भरे शब्द दोस्तों से बात करने का तरीका है। हाजिर जवाब हो तुम सब, माँ बाप का सिखाया अच्छा सलीका है। कहेंगे ये अनोखी हमारी स्लैंग्स है, ज़िना भरे शब्द मैंने भी कहे हैं, तभी तो हैशटैग चेंज जैसे मेरे प्लान्स हैं। लोगों को थोड़ी भी हैरानी नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल करने में ज़रा भी परेशानी नहीं। ज़िना भरे शब्दों का है समंदर, पर बिना नसीहतों के देख अजमा कर, खैर मेरी सुनेगा ही कौन। हैशटैग चेंज तो दिखावा है, अकेले में मुझे सुनेगा ही कौन। मीठी सी जबान बचपन की ही ठीक थी, कम से कम उनमें ज़िना और फरेब की ना झलक थी। खैर ये मेरे विचार हैं, मैंने अपनी बातें रख दी। इसे सुनने के बाद किसी को गुस्सा आया तो उसने माँ की गाली नीचे कमेंट में लिख दी। खैर ये ज़िना भरे शब्द से जबान की फितरत खराब होती है, और कलम से इसके विपरीत लिखा तो वो अदब होती है, तो वो अदब होती है। साइनिंग आउट, पीस, बी हैप्पी।